जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना दिता हुआ है, घर विच एक निर्भर रोगी मरीज या बीमार व्यक्ति की देखभाल कर सकता है। हाँ जी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है परिवारक मैंबर, सैकेंड ऑप्शन है जी एक दोस्त या व्यक्ति, थर्ड ऑप्शन है होम केयर प्रोवाइडर, तो फोर्थ है जी ये सारे। हाँ जी घर विच एक निर्भर रोगी मरीज या बीमार व्यक्ति की देखभाल कौन कर सकता है जी? वो एक परिवार मैंबर भी हो सकता है, एक दोस्त या व्यक्ति भी हो सकता है, होम केयर प्रोवाइडर यानी कि वार्ड अटेंडेंट भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए सारे। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है एक चंगी सेहत वाले व्यक्ति नू डैश तौर पर सही होना चाहिए। हाँ जी चार ऑप्शन ने, फर्स्ट दिता हुआ है शरीरिक तौर पर, सैकेंड ऑप्शन है जी मानसिक तौर पर, थर्ड ऑप्शन है समाजिक तौर पर, तो फोर्थ है जी उत्ते दसे सारे। हाँ जी एक चंगी सेहत वाली व्यक्ति नू शरीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, तो समाजिक तौर पर सही होना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्ते दसे सारे। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। हाँ जी फ्रेंड जेकर तुहानू वीडियो चंगी लग रही होवे तां वीडियो नू लाइक करो, तो ज़्यादा तो ज़्यादा अपने साथियों नाल वीडियो नू शेयर करिया करो जी। नैक्सट क्वेश्चन दिता होया अजिहा रोग या बीमारी जो बहुत घट समय लई हुंदी है उसनू की कहा जाता है। चार ऑप्शन ने, फर्स्ट है जी अल्पकालीन रोग, सैकेंड ऑप्शन है दीर्घकालीन रोग, थर्ड ऑप्शन है जी एड्स, तो फोर्थ है इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी अजिहा रोग या बीमारी जो घट समय लई हुंदी है उसनू की कहा जाता जी? अल्पकालीन रोग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। तो जिहड़ी बीमारी लंबे समय तक चलती है उसनू की कहा जाता जी? दीर्घकालीन रोग। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन अपना दिता हुआ है वो रोग जिहड़ा एक व्यक्ति तो दूजे व्यक्ति नू सूक्ष्म जीवां जीवाणुआं विषाणुआं ते प्रोटोजोआ द्वारा फैलते हैं उसनू की कहा जाता है। चार ऑप्शन दिए हुए ने, फर्स्ट है जी दीर्घकालीन रोग, सैकेंड ऑप्शन है अल्पकालीन रोग, थर्ड ऑप्शन है जी अछूत दे रोग, तो फोर्थ है छूत दे रोग। हाँ जी क्वेश्चन की है वो रोग जिहड़ा एक व्यक्ति तो दूजे व्यक्ति नू सूक्ष्म जीवां जीवाणुआं विषाणुआं ते प्रोटोजोआ नाल फैलते हैं उन्हां नू की कहा जाता जी? उन्हां नू कहा जाता जी छूत दे रोग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। इस तो इलावा आप पढ़ लेने कि जीवाणुआं राही केड़े रोग फैलते हैं, तो जीवाणुआं राही तुसीं नोट कर लेना जी म्यादी बुखार, हेजा, कुकड़ खांसी, पेचिस आदि। इस तो अलावा दिता हुआ जी विषाणु, तो विषाणुआ राही जिहड़े रोग फैलते हैं वह हैगा जी पीलिया, पोलियो, जुकाम ते चेचक। इस तो अलावा ना दिता गया जी प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ नाल मलेरिया ते कालाजार रोग फैलते हैं। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। नैक्सट क्वेश्चन अपना है वो व्यक्ति जिसनू किसी होर व्यक्ति तो शरीरिक भावनात्मक सेहत की देखभाल की जरूरत होंगी है उसनू डैश कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है जी तुहाड़े एग्जाम के लिए। चार ऑप्शन दिए हुए ने, फर्स्ट है जी निर्भर, सैकेंड ऑप्शन है तंदुरुस्त, थर्ड ऑप्शन है मरीज, तो फोर्थ है जी ए ते सी दोवें। क्वेश्चन फिर तो रिपीट कर देने, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। वो व्यक्ति जिसनू किसी होर व्यक्ति तो शरीरिक भावनात्मक सेहत की देखभाल की जरूरत होंगी है उसनू की कहा जाता है? तो उसनू की कहा जाता जी? ऑप्शन नंबर डी तुसी वेखो ए ते सी, तो की है जी? ए है जी निर्भर, यानी कि वह व्यक्ति जिहड़ा अपने आप मतलब अपनी देखभाल नहीं कर सकता उसनू की कहा जाता जी? निर्भर। तो सी ऑप्शन है मरीज, तो मरीज भी हो सकता है तो निर्भर भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जिहड़ा अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए अते सी। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन वाल। अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है जदों किसी मरीज या रोगी नू सलाह या इलाज लई किसी एक्सपर्ट दे कोल भेजते हाँ तो उसनू की कहा जाता है? हाँ जी फ्रेंड ये क्वेश्चन भी तुहाडे एग्जाम दे लई वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी। फिर तो रिपीट कर दें, जदों किसी मरीज या रोगी नू सलाह या इलाज लई किसी एक्सपर्ट कोल भेजते हाँ तो उसनू की कहा जाता है? चार ऑप्शन ने, फर्स्ट है जी एम्बुलेटरी, सैकेंड ऑप्शन है रेफरल, थर्ड ऑप्शन है जी पुनर्वास, तो फोर्थ है टीकाकरण।
हाँ जी, जदों आपां किसी मरीज़ नूं सलाह दे लई किसी एक्सपर्ट कोल भेजदे हाँ तां उसनूं कहा जांदा जी रैफरल। ऑप्शन नंबर बी है जिहड़ा इस क्वेश्चन दा अपना करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हाँ। जदों कोई बीमार व्यक्ति अपने बिस्तर तों उठण दे योग हुंदा है भाव वह तुर फिर सकता है तो उसनों की कहा जाता है। हाँ जी फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। इस वीडियो जिन्हें भी आप क्वेश्चन करते हैं ये सारे बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट ने तुहाडे एग्जाम के लिए। इन्हों पक्का तुहानू एग्जाम विच क्वेश्चन वेखण नू मिलेगा। हाँ जी क्वेश्चन हैगा जी, जदों कोई बीमार व्यक्ति अपने बिस्तर तो उठण दे योग हुंदा है भाव वह तुर फिर सकता है तो उसनों की कहा जाता है। चार ऑप्शन ने, फस्ट हैगा जी रेफरल, सैकेंड ऑप्शन हैगा एम्बूलेटरी, थर्ड ऑप्शन हैगा जी होस्पाइस, तो फोर्थ हैगा आखिरी पड़ा। तो इस क्वेश्चन का जिहड़ा अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा वो हैगा जी एम्बूलेटरी। हाँ जी, जदों कोई रोगी अपने बिस्तर तो उठण दे योग हुंदा यानी कि वह चल के बाथरूम भी कर सकता है लेटरिंग वगैरह तो उसनों आप कहेंगे जी एम्बूलेटरी। नैक्सट क्वेश्चन हैगा जी, उस रोग का नाम दसो जो उचित मात्रा में संतुलित आहार ना मिलने कार हुंदा है। चार ऑप्शन दिते हुए ने, फस्ट हैगा जी अल्पकालीन रोग, सैकेंड ऑप्शन हैगा छूत रोग, थर्ड ऑप्शन हैगा त्रुटि रोग, तो फोर्थ हैगा जी ए सारे। तो वो रोग कि हुंदा जी त्रुटि रोग, जिहड़ा कि उचित मात्रा में संतुलित आहार ना मिलने कार हुंदा है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन भी वेरी इंपोर्टेंट हैगा, उस जगह का नाम दसो जिथे रोगी नूं उसके आखिरी पड़ाव विच एक चंगे वातावरण विच उसकी मौत तक उसकी देखभाल दिती जाती है। यानी कि उस थान का आपां नाम दसना है जिस विच रोगी जिवें अपने आखिरी पड़ाव विच होवे, मतलब अपनी जिंदगी दी आखिरी स्टेज विच हैगा, तो उसनों एक चंगे वातावरण विच उसकी मौत तक उसकी देखभाल उसनों दिती जाती है, उस थान नूं की कहा जाता है। चार ऑप्शन ने, फस्ट हैगा जी पुनर्वास, सैकेंड ऑप्शन हैगा कोई भी थान होवे, थर्ड ऑप्शन हैगा जी होस्पाइस, तो फोर्थ हैगा इन्हां विचों कोई नहीं, तो उस थान नूं कहा जाता जी होस्पाइस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी फ्रेंड, अज के लास्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हेठ लिखियां विचों किहड़ा छूत का रोग है? हाँ जी, चार ऑप्शन दिते हुए ने, फस्ट हैगा चेचक, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी हेजा, थर्ड ऑप्शन हैगा एड्स, तो फोर्थ हैगा ए सारे। हाँ जी फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर तुसी कमेंट बॉक्स में दसना है। सेहत नूं वधेरे हानि किस प्रकार के रोग नाल हुंदी है? साडे कोल चार ऑप्शन दिते हुए ने, फस्ट हैगा जी सिर दर्द नाल, सैकेंड ऑप्शन हैगा अल्पकालीन रोग नाल, थर्ड ऑप्शन हैगा जी दीर्घकालीन रोग नाल, ते फोर्थ हैगा खांसी जां जुकाम नाल। हाँ जी, सेहत नूं वधेरे हानि किस प्रकार के रोग नाल हुंदी है जी? तो वह हुंदी है जी दीर्घकालीन रोग दे नाल। दीर्घकालीन रोग वह हुंदे ने जिहड़े ज़्यादा समय तक चलते ने, ते अल्पकालीन रोग वह हुंदे ने जिहड़े थोड़े समय लई चलते ने, जिवें कि सिर दर्द हो गया, खांसी जुकाम आदि हो गए ने। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन अपना दिता है, पतले दस्त लगन का की कारण है? चार ऑप्शन ने, फस्ट हैगा जी तेज़ बुखार का होना, सैकेंड ऑप्शन हैगा सिर दर्द, थर्ड ऑप्शन दिता जी दूषित भोजन या गंदे पानी की वरतों, तो फोर्थ हैगा इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी, सारे नूं पता लग गया होना कि पतले दस्त लगन का की कारण होंदा जी। ऑप्शन नंबर सी अपना करैक्ट हो जाएगा, दूषित भोजन और गंदे पानी की वरतों नाल की हो जाता जी पतले दस्त लग जाते हैं। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पानी विच घुलनशील विटामिन केड़े हन? हाँ जी, इन्हां क्वेश्चनों विच बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होंदी है कि पानी विच घुलनशील विटामिन केड़े हुंदे ने ते चर्बी विच घुलनशील विटामिन केड़े हुंदे ने। चार ऑप्शन ने, फस्ट क्वेश्चन करते हैं आपां, पानी विच घुलनशील विटामिन केड़े हुंदे ने? तां फस्ट ऑप्शन दिता जी बी ते सी, सैकेंड ऑप्शन हैगा ए बी सी डी अते के, थर्ड ऑप्शन हैगा जी विटामिन के ई डी अते ए, ते फोर्थ हैगा ए सारे। हाँ जी, इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी अते सी। हाँ जी, पानी विच घुलनशील विटामिन केड़े हुंदे ने बी अते सी। सैकेंड क्वेश्चन करते हैं, चर्बी विच घुलनशील विटामिन केड़े हुंदे ने? चार ऑप्शन दिते हुए ने। हाँ जी, फस्ट ऑप्शन हैगा ए बी अते सी, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी ए बी सी डी, थर्ड ऑप्शन हैगा बी ते सी, ते फोर्थ हैगा जी के ई डी अते ए। हाँ जी, चर्बी विच जिहड़े विटामिन घुलदे ने वह हुंदे ने के ई डी अते ए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। हुण आपां इसनूं ट्रिक दे नाल किवें याद कर सकते हैं, मैं दो गिलास लेने
ए अते बी, एक विच आपां पानी भरिया, इत्थे मैं एच टू ओ लिख देना, इस ग्लास विच पानी हैगा ते दूजे च चर्बी हैगी है। फिर आपां की कीता जी, इस पानी दे ग्लास विच आपां एक कीड़ा सुट दिंदे आ, इस विच पानी हैगा, इस विच आपां एक कीड़ा सुटिया ते दूजे ग्लास विच भी आपां एक कीड़ा सुटिया। की वेखदे आपां, पानी दे उपर जिहड़ा कीड़ा है वह तैरदा रहिंदा है ते चर्बी विच जिहड़ा कीड़ा है वह अंदर डुब जाता है। आपां एक ट्रिक दे नाल याद ही करना है बस, कि आपां एक दो ग्लास लिते सी, एक विच पानी ते दूजे विच चर्बी, फिर आपां की कीता, उहनां विच दोनों विच एक कीड़ा छड्डिया। पानी विच की है, जिहड़ा कीड़ा है उत्ते तैरदा रहिंदा है ते चर्बी विच वह कीड़ा डुब जाता है। इस तरह आपां नूं किवें याद हो गया, हुण कीड़ा आपां वर्ड लिता है, इस तों की बनिया जी, विटामिन के ई डी ते ए, की वर्ड बनिया जी, कीड़ा ते उवें विटामिन किहड़े ने, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी ते विटामिन ए। हुण जिहदे विच ए कीड़ा डुब जांदा है, यानी कि उस विच वो कीड़ा घुलनशील हैगा, यानी कि चर्बी विच किहड़े विटामिन घुलनशील ने, तां आपां वर्ड रखना है कीड़ा याद, उस तों विटामिन चार बन जांदे ने, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी ते विटामिन ए। तो क्वेश्चन जेकर पूछा जाए कि पानी विच केड़े घुलनशील विटामिन होंदे ने, तो जिहड़े बाकी बच गए वह पानी विच घुलनशील होंदे ने, विटामिन बी ते सी। उम्मीद करदा इस तरह तुहानू याद हो जाएगा कि पानी विच घुलनशील विटामिन केड़े ने ते चर्बी विच घुलनशील विटामिन केड़े ने। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वल। हाँ जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता है, हेठ लिखियां विचों केड़े रोग बैक्टीरिया राही फैलते हैं। चार ऑप्शन ने, फस्ट हैगा जी खांसी, सैकेंड ऑप्शन हैगा हिजा, थर्ड ऑप्शन हैगा जी टीबी, तो फोर्थ हैगा बी ते सी दोवें। हाँ जी, बैक्टीरिया राही हिजा ते टीबी रोग जिहड़े फैलते हैं, तो इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी ते सी दोवें। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं, सूरज की रोशनी तो सानू केड़ा विटामिन मिलता है। फस्ट ऑप्शन हैगा जी सारे, सैकेंड ऑप्शन हैगा विटामिन के ते ई, थर्ड ऑप्शन हैगा जी विटामिन डी, तो फोर्थ हैगा जी कोई नहीं। हाँ जी, सारे नूं पता होगा कि सूरज की रोशनी तो सानू विटामिन डी मिलता है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन हैगा जी, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिता सी। हाँ जी, चार विज्ञानिकों के नाँ दिते हुए हैं, फस्ट हैगा जी कैपलर, सैकेंड ऑप्शन हैगा चैडविक, थर्ड ऑप्शन हैगा जी न्यूटन, तो फोर्थ हैगा रदरफोर्ड। हाँ जी, गुरुत्वाकर्षण का जिहड़ा नियम दिता सी वो दिता सी न्यूटन ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। इस तों इलावा ऑप्शन ए दिता है केपलर, तो केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिता सी। ऑप्शन नंबर बी है जी चैडविक, तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की सी, न्यूट्रॉन की खोज की सी चैडविक ने। तो ऑप्शन डी है जी रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड ने प्रोटोन की खोज की सी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी, नैक्सट क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट हैगा, शुद्ध पानी का पी एच मान कितना होंदा है। चार ऑप्शन ने, ऑप्शन फस्ट हैगा जी सत्त, ऑप्शन बी दिता जी पांच, ऑप्शन सी हैगा छे, तो ऑप्शन डी हैगा जी दो। हाँ जी, शुद्ध पानी का जिहड़ा पी एच मान होंदा है वह होंदा जी सत्त। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी फ्रेंड, जेकर तुहानू वीडियो चंगी लग रही है तो वीडियो नू लाइक करियो, तो अपने साथियों के नाल इस वीडियो नू ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करियो। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी, नैक्सट क्वेश्चन अपना हैगा जी, हसण वाली गैस केड़ी हुंदी है। चार ऑप्शन ने, फस्ट हैगा जी अमोनिया, सैकेंड ऑप्शन हैगा नाइट्रस ऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन हैगा जी कार्बन डाइऑक्साइड, तो फोर्थ हैगा हाइड्रोजन। हाँ जी, हसण वाली गैस किस नूं कहा जाता है, तो वह कहा जाता जी नाइट्रस ऑक्साइड नूं। ऑप्शन नंबर बी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। जेकर इहदा फॉर्मूला अपने कोल पूछ लिया जाए तो इहदा फॉर्मूला हुंदा जी एन टू ओ। फिर तो रिपीट कर दें, एन टू ओ फॉर्मूला किसका होंगे जी, नाइट्रस ऑक्साइड का। नैक्सट क्वेश्चन हैगा, लाल ग्रे किहड़े ग्रे नूं कहा जाता है। चार ऑप्शन ने, फस्ट हैगा जी धरती, सैकेंड ऑप्शन हैगा बृहस्पति, थर्ड ऑप्शन हैगा जी मंगल, तो फोर्थ हैगा शुक्र। हाँ जी, लाल ग्रे किस ग्रे नूं कहा जाता है, तो वह कहा जाता जी मंगल ग्रे नूं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन दिता होया, मनुख दे लहू का पी एच मान की हुंदा है। चार ऑप्शन ने, फस्ट हैगा जी सत्त, सैकेंड ऑप्शन हैगा छे पॉइंट चार, थर्ड ऑप्शन हैगा जी सत्त पॉइंट चार,
ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ 5.4। ਹਾਂਜੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪੀ ਐੱਚ ਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? 7.4। ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਓਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੁਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਬਾਲਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 4 ਓਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ B1, ਸੈਕਿੰਡ ਓਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਿਟਾਮਿਨ B12, ਥਰਡ ਓਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ A ਅਤੇ K, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਓਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਿਟਾਮਿਨ C। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਬਾਲਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਵਿੱਚ ਕੋਬਾਲਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਰੈਕਟ ਜਵਾਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 4 ਓਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਓਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਥਰਡ ਓਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕੂਏ ਜਾਂ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਓਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੁਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਧਾਤੂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? 4 ਓਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲੀਥੀਅਮ, ਸੈਕਿੰਡ ਓਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਓਸਮੀਅਮ, ਥਰਡ ਓਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਲੋਹਾ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਿਲਵਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਧਾਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਓਸਮੀਅਮ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਧਾਤੂ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਓਪਸ਼ਨ A ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੀਥੀਅਮ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਧਾਤੂ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਓਸਮੀਅਮ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਧਾਤੂ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਲੀਥੀਅਮ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਜੀ, ਈਟ ਪਰ ਨਾਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਜੀ? ਈ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟੈਂਕਾ, ਟੈਂਕਾ ਤੋਂ ਵਰਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਟੋਮਸਨ, ਟੋਮਸਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ ਥੋਮਸਨ। ਫਸਟ ਵਰਡ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ? ਈੜੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਟੋਮਸਨ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਡ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਰ, ਪਰ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਪਿੱਛੇ ਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਰਾਰਾ, ਰਾਰਾ ਤੋਂ ਰਦਰਫੋਰਡ। ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਨਾਚ, ਨੰਨੇ ਤੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ, ਅਤੇ ਚੱਚੇ ਤੋਂ ਚੈਡਵਿਕ। ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਈਟ ਪਰ ਨਾਚ, ਈੜੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਟੈਂਕੇ ਤੋਂ ਟੋਮਸਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਰ, ਪੱਪੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਾਚ, ਨੰਨੇ ਤੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਚੈਡਵਿਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਹੀ ਹੈਗਾ ਈਟ, ਈਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਅਤੇ ਟੈਂਕੇ ਤੋਂ ਟੋਮਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਓਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D, ਸੋਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਓਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਕੁਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਓਪਸ਼ਨ D ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ। ਵਾਯੂ ਦਾਬ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। 4 ਓਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲੈਕਟੋਮੀਟਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਓਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਮੈਨੋਮੀਟਰ, ਥਰਡ ਓਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੈਰੋਮੀਟਰ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਯੂ ਦਾਬ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬੈਰੋਮੀਟਰ। ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਓਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਲੈਕਟੋਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਲੈਕਟੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੈਕਟੋਮੀਟਰ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲੈਕਟਿਕ ਅਮਲ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲੈਕਟੋਬੈਸੀਲਸ ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਨੋਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੁਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੈਕਟੋਮੀਟਰ।
नैक्सट क्वेश्चन हैगा जी अपना कि दूर दृष्टि रोग लई किहड़े लेंज की वरतों की जाती है। हाँ जी फ्रेंड, स्टूडेंट नूं काफ़ी कन्फ्यूजन होंदी है दूर दृष्टि दोष दे लई ते निकट दृष्टि दोष दे लई। पहला मैं तुहानूं दस देना कि हुंदा है। आ क्वेश्चन दिता जी, दूर दृष्टि रोग लई किहड़े लेंज की वरतों की जाती है। तो दूर दृष्टि रोग विच की हुंदा है? दूर दृष्टि विच की हुंदा जी, नेड़े वालियां वस्तुआं साफ नहीं विखाई देंदियां ते दूर वालियां वस्तुआं साफ विखाई देंदियां ने, उहनूं कहा जांदा है दूर दृष्टि दोष। ते निकट दृष्टि दोष विच की हुंदा है कि नेड़े वालियां वस्तुआं साफ दिखाई देंदियां ने ते दूर वालियां वस्तुआं साफ नहीं दिखाई देंदियां, उहनूं कहा जांदा है निकट दृष्टि दोष। इस दे लई आपां दो लेंज यूज़ करदे हां, अवतल ते उत्तल। हुण आपां किवें याद करना है, एक साइड मैं दोष लिख लेना ते एक साइड आपां लेंज लिख लैंदे हां जिहड़े आपां यूज़ करने हैं। एक हुंदा जी निकट दृष्टि दोष, एक हुंदा जी दूर दृष्टि दोष। लेंज आपां दो तरह के वरतदे हां, एक हुंदा अवतल ते सैकेंड हुंदा जी उत्तल। हुण स्टूडेंट नूं कन्फ्यूजन रहिंदी है कि निकट दे लई किहड़ा आपां लेंज यूज़ करदे हां ते दूर दे लई किहड़ा यूज़ करदे हां, याद किवें करना है आपां? तुसीं वैसे उहनां दी नंबरिंग काउंट करनी है कि निकट वर्ड विच किन्ने नंबर हैगे जी, मतलब किन्ने अक्षर हैगे। एक दो तीन, तीन अक्षर ने। ते दूजे साइड अवतल विच किन्ने ने? एक दो तीन ते चार अक्षर ने। इस तरह दूर विच आपां नोट करने हैं एक ते दो, दो अक्षर ने। ते उत्तल विच किन्ने ने? एक दो तीन। हुण आपां किवें याद करांगे कि जिस दे अक्षर ज़्यादा होणगे उहनूं आपां ज़्यादा अक्षर वाले लेंज नाल मैच करना है। दोस्त वेखदे हां पहलां, निकट दे ज़्यादा ने तीन अक्षर ने, ते लेंज विच किन्ने ने? अवतल लेंज विच ज़्यादा ने। तो निकट दे लई आपां किहड़ा लेंज यूज़ करांगे? अवतल। ते दूर विच किन्ने अक्षर ने? दो। ते इस साइड लेंज विच मतलब कटकें दे विच ने उत्तल विच, तो दूर दृष्टि लई आपां उत्तल लेंज यूज़ करांगे। फिर तो रिपीट कर दिंदे हां, आपां वर्ड काउंट करने ने, निकट विच तीन ने ते जिंदे विच ज़्यादा वर्ड ने वो ज़्यादा वर्ड वाले लेंज नाल आपां मैच करना है। इस तरह निकट विच तीन ने तो आपां ज़्यादा वर्ड वाले जिवें कि अवतल लेंज नाल मैच करांगे। इस तरह दूर विच दो ने ते कट वर्ड वाला लेंज किहड़ा हैगा? उत्तल। तो इस तरह दूर दे लई आपां उत्तल लेंज यूज़ करांगे ते निकट दे लई अवतल लेंज यूज़ करांगे। हुण क्वेश्चन वल चलदे हां। क्वेश्चन हैगा, दूर दृष्टि रोग लई किहड़ा लेंज वरतदे हां? तो दूर विच किन्ने वर्ड ने? दो। ते लेंज विच अवतल विच किन्ने ने? अवतल विच चार ने। ते उत्तल विच किन्ने ने? तीन। ते आपां किहड़ा वरतांगे? दो दे लई उत्तल वाला। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी अपना करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता है, साधारण नमक का सूत्र दसो। चार ऑप्शन ने एन ए ओ एच, सैकेंड ऑप्शन है जी सी ए सी ओ थ्री, थर्ड ऑप्शन है एन ए एन ओ थ्री, तो फोर्थ है जी एन ए सी एल। हाँ जी, इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साधारण नमक का जिहड़ा सूत्र हुंदा है वह हुंदा जी सोडियम क्लोराइड एन ए सी एल। हाँ जी, तुसी रसायणिक नाँ ते रसायणिक सूत्र याद कर लई ए वीडियो जरूर वेखनी है। इसका लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स च मिल जाएगा। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। नैक्सट क्वेश्चन दिता है, कपड़े धोण वाले सोडे का रसायणिक नाँ दसो। चार ऑप्शन ने, फस्ट दिता जी सोडियम कार्बोनेट, सैकेंड ऑप्शन है सोडियम बायकार्बोनेट, थर्ड ऑप्शन है जी सोडियम क्लोराइड, तो फोर्थ है इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी, कपड़े धोण वाले सोडे का रसायनिक नाँ की होंदा जी सोडियम कार्बोनेट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी फ्रेंड, अज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करन जा रहे हैं, भारी जल का रसायनिक सूत्र की है? चार ऑप्शन ने, फस्ट दिता जी सी ए ओ, सैकेंड ऑप्शन है जी डी ओ टू, थर्ड ऑप्शन है जी डी टू ओ, तो फोर्थ है एन टू ओ। हाँ जी, जेकर आपां साधारण पानी का पूछा जाए तो सारियां नूं पता है एच टू ओ, ते भारी जल का पूछा जाए तो उसका फार्मूला होंगे जी डी टू ओ। क्वेश्चन नंबर 23, डी एन ए की खोज किसने की? चार ऑप्शन ने, फस्ट है जी वाटसन, सैकेंड ऑप्शन है क्रिक ने, थर्ड ऑप्शन है जी ए ते बी दोवें, ते फोर्थ है न्यूटन। हाँ जी, आपां दसना है डी एन ए की खोज किसने की। जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी चुनते हो जी ए ते बी दोवें यानी कि वाटसन ते क्रिक, तो तुहाडा आंसर करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं।
नैक्सट क्वेश्चन अपना दिता हुआ है तंबाकू विच केड़ा नशीला पदार्थ हुंदा है। चार ऑप्शन ने, फर्स्ट हैगा जी निकोटीन, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी आयरन, थर्ड ऑप्शन हैगा फास्फोरस, तो फोर्थ हैगा जी कार्बन। जी आप दसना है कि तंबाकू विच केड़ा नशीला पदार्थ हुंदा है। जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट चुनते हो जी निकोटीन, तो तुहाडा आंसर करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, तंबाकू विच केड़ा नशीला पदार्थ पाया जाता है, तो वह निकोटीन हुंदा है। नैक्सट क्वेश्चन हैगा जी अथरू गैस केड़ी गैस नूं कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हैगा जी तुहाडे एग्जाम के लिए। चार ऑप्शन ने, फस्ट हैगा जी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सैकेंड ऑप्शन दिता हुआ जी क्लोरो एसीटोफिनोन, थर्ड ऑप्शन हैगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो फोर्थ हैगा जी सल्फर। हाँ जी, आप दसना है कि अथरू गैस केड़ी गैस नूं कहा जाता है, तो यह कहा जाता जी क्लोरो एसीटोफिनोन नूं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा, क्लोरो एसीटोफिनोन। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वल। नैक्सट क्वेश्चन हैगा अंडे विच केड़ा विटामिन नहीं पाया जाता। चार ऑप्शन ने, फस्ट हैगा जी डी, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी विटामिन ए, थर्ड ऑप्शन हैगा विटामिन बी, तो फोर्थ हैगा जी विटामिन सी। जी आप दसना है कि अंडे विच केड़ा विटामिन नहीं पाया जाता। जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी चुनते हो जी विटामिन सी, तो तुहाडा आंसर करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, अंडे विच विटामिन सी है जिहड़ा नहीं पाया जाता। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन अपना हैगा है गां दा दुध पीले रंग दा किस कारण हुंदा है। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट हैगा जी। चार ऑप्शन ने, फस्ट हैगा निकोटीन कारण, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी कैरोटीन कारण, थर्ड ऑप्शन हैगा सल्फर कारण, तो फोर्थ हैगा इन्हां विचों कोई नहीं। जी आपां दसना है कि गां दा दुध दा रंग पीला किस कारण हुंदा है, तां ओ कैरोटीन नां दे प्रोटीन कारण हुंदा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन दिता है जी जेकर पिता का ब्लड ग्रुप ए है तो माता का ब्लड ग्रुप बी है तो बच्चे विच केड़ा ब्लड ग्रुप हो सकता है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फस्ट हैगा जी ए जां बी, सैकेंड ऑप्शन हैगा ए बी, थर्ड ऑप्शन दिता जी ए बी जां ओ, तो फोर्थ हैगा इन्हां विचों कोई भी हो सकता है। हाँ जी, आपां दसना है कि जेकर पिता का ब्लड ग्रुप ए है माता का ब्लड ग्रुप बी है तो बच्चे विच केड़ा ब्लड ग्रुप हो सकता है, तो इन्हां विचों कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। बच्चे विच ए जां बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ए बी जां ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी अपना करैक्ट हो जाएगा, इन्हां विचों कोई भी हो सकता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन अपना हैगा है दुध दे खट्टे होने का की कारण हुंदा है। हाँ जी, ऑप्शन ए दिता है जी लैक्टिक अमल, ऑप्शन बी हैगा निकोटीन, ऑप्शन सी हैगा जी कैरोटीन, तो ऑप्शन डी दिता है जी इन्हां विचों कोई नहीं। जी आपां दसना है कि दुध दे खट्टे होने का की कारण हुंदा है, तो वह एक अमल के कारण हो जाता जी, तो वह अमल हैगा लैक्टिक अमल। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन अपना करैक्ट हो जाएगा। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है सकरवी रोग किस विटामिन की कमी कारण हुंदा है। ऑप्शन ए दिता है जी विटामिन डी के कारण, ऑप्शन बी दिता है जी विटामिन ए के कारण, ऑप्शन सी हैगा विटामिन के दे कारण, तो ऑप्शन डी हैगा जी विटामिन सी दे कारण। हाँ जी, सकरवी रोग जिहड़ा हो जाता है वह हो जाता जी विटामिन सी दे कारण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन हैगा जी, इस क्वेश्चन का आंसर तुसी कमेंट बॉक्स में दसना है। क्वेश्चन हैगा जी मनुख का विज्ञानिक नाम की है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर तुसी कमेंट बॉक्स में दसना है। क्वेश्चन फिर तो रिपीट कर देना, मनुख का विज्ञानिक नाम की है। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। जी अपनी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हैगा बी सी जी दे टीके दे नाम विच बी अक्षर का पूरा नाम की है। क्वेश्चन फिर तो रिपीट कर देने, बी सी जी दे टीके दे नाम विच
बी अक्षर का पूरा ना की है। चार ऑप्शन ने, फर्स्ट है जी बैक्टीरिया, सेकंड ऑप्शन दिता है बेसिक, थर्ड ऑप्शन दिता है जी बेसिलस, तो फोर्थ है नन ऑफ दिस। जी आप दसना है कि बी सी जे दे टिक्के विच अक्षर बी का पूरा ना की है, तो इसका पूरा ना होंगे जी बेसिलस। ऑप्शन सी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। वो केड़ा रोग है जो एक बार हो जाने तो बाद दोबारा नहीं होंदा। साढ़े को चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट है जी बुखार, सेकंड ऑप्शन है खांसी, थर्ड ऑप्शन है जी चेचक, तो फोर्थ है पीलिया। हाँ जी आप दसना है कि वो केड़ा रोग है जो एक बार हो जाने तो बाद दोबारा नहीं होंदा। तो इस क्वेश्चन का करैक्ट आंसर अपना हो जाएगा जी सी चेचक। हाँ जी चेचक एक अजिहा रोग है जो एक बार हो जाने तो बाद दोबारा नहीं होंदा। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन वाल। अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता है जी सोजस के कारण आम प्रवाह की पेंदे हन। चार ऑप्शन ने, फर्स्ट है जी फुलना यानी कि शरीर का फुलना, सैकेंड ऑप्शन है दर्द होना, थर्ड ऑप्शन है जी बुखार, तो फोर्थ है ये सारे। हाँ जी आप दसना है कि सोजस के कारण आम प्रवाह की पेंदे ने, तो ये तीनों प्रभाव पेंदे ने जी, शरीर का फुलना, दर्द होना, तो बुखार होना। इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर डी ए सारे। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता जी दिमाग ते सूखम जीवों के हमले के की लक्षण हैं। चार ऑप्शन दिए हुए ने, फर्स्ट है जी सिरदर्द, सैकेंड ऑप्शन है जी उल्टी आना, थर्ड ऑप्शन है जी चक्कर ज बेहोशी, तो फोर्थ है ये सारे। हाँ जी जदों अपने दिमाग ते सूखम जीवों का हमला हुंदा है तां की कुछ हुंदा जी, सरदर्द भी हुंदा है, उल्टी आना भी स्टार्ट हो जाता है, तो चक्कर जां बेहोशी भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए सारे। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चार, जापानी बुखार किस अंग नूं प्रभावित करती है। हाँ जी ये क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है जी। चार ऑप्शन दिए हुए ने, फर्स्ट है जी आंत, सैकेंड ऑप्शन है पैर, थर्ड ऑप्शन है जी दिमाग, तो फोर्थ है जी पेट। हाँ जी जी जापानी बुखार होंगी है वो साढ़े शरीर के किड़े अंग प्रभावित करती है, वो करती है जी दिमाग में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी फ्रेंड, जेकर तुहानू वीडियो चंगी लग रही है तो वीडियो में लाइक करो, तो ज़्यादा तो ज़्यादा अपने साथियों के नाल वीडियो शेयर करो। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है जी पीलिया का कारण कौन है। चार ऑप्शन ने, फर्स्ट है जी मच्छर, सेकंड ऑप्शन है जी कमजोरी, थर्ड ऑप्शन है हेपेटाइटिस बैक्टीरिया, तो फोर्थ है जी इन विचों कोई नहीं। हाँ जी आप दसना है कि पीलिया का कारण कौन है। तो पीलिया हेपेटाइटिस नाँ के बैक्टीरिया कारण होंगे, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है अपना करैक्ट हो जाएगा, हेपेटाइटिस बैक्टीरिया। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है छूत दे रोग किस कारण फैलते हैं। चार ऑप्शन ने, फर्स्ट है जी हवा राही, सैकेंड ऑप्शन है पानी राही, थर्ड ऑप्शन है जी लिंगी संपर्क के जंतुआ राही, तो फोर्थ है इन्हों सारिया कारण। हाँ जी आप दसना है कि छूत दे रोग किस कारण फैलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जी हवा राही, तो हवा राही भी फैल सकते हैं। सैकेंड ऑप्शन दिता जी पानी राही, तो पानी राही भी फैल सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है लिंगी संपर्क के जंतुआ राही, तो इन्हों राही भी फैल सकते हैं। इसलिए अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन्हों सारिया कारण। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। हाँ जी चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन वाल। क्वेश्चन नंबर सत्त, एक बच्चा अपनी बीमारी के बारे विच अपने घरद्यां नूं दसण दे योग नहीं, तुहानूं किस गल तों पता लगेगा कि बच्चा बीमार है। हाँ जी ये क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है जी। चार ऑप्शन ने, फर्स्ट है जी बच्चे का रंग पीला पै जाता है, सैकेंड ऑप्शन है बच्चे नूं भुख घट लगती है, थर्ड ऑप्शन है जी बच्चे नूं वधेरे थकान हुंदी है ते भार भी घटता है, तो ऑप्शन डी दिता जी इन्हां सारिया कारणां नाल। जी क्वेश्चन फिर तो रिपीट कर दें, एक बच्चा अपनी बीमारी के बारे में अपने घरद्यां नूं दसण दे योग नहीं, तुहानूं किस गल तों पता लगेगा कि बच्चा बीमार है। फस्ट ऑप्शन सी कि बच्चे का रंग पीला पै जाता है, सैकेंड सी जी बच्चे नूं भुख घट लगती है, थर्ड है बच्चे नूं वधेरे थकान ते भार भी घटता है, तो फोर्थ है इन्हां सारिया कारणां नाल। इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर डी, इन्हां सारिया कारणां नाल पता लग जाता है। तो अपना अठवां क्वेश्चन है जिहड़ा,
ਇਹ ਸੱਤਵੇਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵੀ ਘੱਟਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਠਵਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦਸਤ ਲੱਗਣੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਥਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵੀ ਘੱਟਦਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ? ਪੀਲੀਆ। ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 9, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਖਸਰੇ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਫਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਖਸਰੇ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਛੂਤ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਖਸਰਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕੈਂਸਰ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਛੂਤ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। CNG ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੰਪਰੈਸਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੰਪਰੈਸਡ ਨਿਓਨ ਗੈਸ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕੰਪਰੈਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, CNG ਗੈਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੰਪਰੈਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ। ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ CNG, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ LPG, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ LPG ਗੈਸ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦਬਾਅ ਦੀ SI ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਫਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੈਲਵਿਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨਿਊਟਨ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪਾਸਕਲ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਅ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ SI ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ SI ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਸਕਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ, 0°C ਕਿੰਨੇ ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 373 ਕੈਲਵਿਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ 273 ਕੈਲਵਿਨ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ 100 ਕੈਲਵਿਨ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ 150 ਕੈਲਵਿਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਕਿੰਨੇ ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ, ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ SI ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡੈਸੀਬਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕੈਲਵਿਨ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨਿਊਟਨ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪਾਸਕਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ SI ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ SI ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੈਲਵਿਨ। ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੈਲਵਿਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 6, ਖੁਸ਼ਕ ਬਰਫ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰਾਈ ਆਈਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਾਰਬਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਠੋਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ। ਹਾਂਜੀ, ਡਰਾਈ ਆਈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕ ਬਰਫ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਠੋਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ। ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हाँ जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पानी का उबाल दर्जा की है। फर्स्ट ऑप्शन है जी 100 degrees Celsius, सेकेंड ऑप्शन है 373 Kelvin, थर्ड ऑप्शन है जी ए ते बी दोवें, ते फोर्थ है नन ऑफ दीज। जे आपां पानी का उबाल दर्जा दसना है तो पानी का उबाल दर्जा जेकर सैलसीयस विच गल की जाए तो 100 degrees Celsius हुंदा है, ते कैलविन विच गल की जाए तो 373 Kelvin हुंदा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जिहड़ा दिता होया है ए ते बी दोवें ये अपना करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हाँ। क्वेश्चन नंबर 8 दिता होया है, हेठ लिखियां विचों किहड़ा पदार्थ की उदाहरण है। चार ऑप्शन ने, फस्ट है जी हवा, सैकेंड ऑप्शन है भोजन तो जल, थर्ड ऑप्शन है जी पत्थर, तो फोर्थ है ये सारे। हाँ जी, आप दसना है कि पदार्थ की एग्जाम्पल दसनी है किहड़ी हैगी है इन्हां चारों विचों। तां मैं तुहानूं दस देना पदार्थ की हैगा, यूनीवर्स विच कोई भी चीज़ जिन्हों आपां वेख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन्हों आपां की कहने जी पदार्थ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी अपना करैक्ट हो जाएगा। हवा भी पदार्थ है, भोजन जल ये भी पदार्थ ने, ते पत्थर भी पदार्थ है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9, हेठ लिखियां विचों किहड़ी ठोस पदार्थ की उदाहरण है। चार ऑप्शन ने, फस्ट है जी लकड़ी, सैकेंड ऑप्शन दिता है पत्थर, थर्ड ऑप्शन है जी चीनी, तो फोर्थ है ये सारे। हाँ जी, आप दसना है कि ठोस पदार्थ की इन्हों विचों किहड़ी उदाहरण हैगी है, तो ये सारे जिहड़े ठोस पदार्थ के उदाहरण ने, लकड़ी, पत्थर ते चीनी। हाँ जी फ्रेंड, आज दी वीडियो दे लास्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिता होया है LPG गैस दे नाम विच पी अक्षर का पूरा नाम दसो। चार ऑप्शन ने, फस्ट है जी पोटाशियम, सैकेंड ऑप्शन दिता है पेट्रोलियम, थर्ड ऑप्शन है जी पोल्यूशन, ते फोर्थ है इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी, LPG गैस का पूरा नाम हुंदा जी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिहड़ी कि आपां घरां विच वरतदे हाँ। तां पी दा की मतलब हैगा इत्थे पेट्रोलियम। इस क्वेश्चन दा ऑप्शन नंबर बी अपना करैक्ट हो जाएगा।